अमेरिकन बाल्ड ईगल फाउंडेशन के डेव उल्रिच का एक सीवियर एक्सीडेंट हुआ जिसमें उनकी बॉडी का नीचे का पार्ट बिल्कुल पैरालिसिस हो गया। तकरीबन 30 साल वो व्हील चेयर पे रहे जब उन्हें एक व्यक्ति मिले, स्टीव क्रोचल, जिन्होंने डेव को अर्थिंग यानी अपने शरीर को अर्थ से कनेक्ट करने में मदद की। और मात्र एक महीना जमीन के साथ संबंध बनाने से जो व्यक्ति अपने पैर की उंगलियां नहीं हिला पा रहा था वो व्यक्ति अपने पैरों को मूव कर सकता था। ये देखकर डेव के बेटे डॉगलस ने ईगल फाउंडेशन के फेसबुक पेज से कुछ महीनों बाद अपनी खुशी जाहिर करते हुए एक फोटो डाली, क्योंकि उनके पैदा होने के बाद पहली बार उन्होंने अपने पापा को अपने पैरों पे खड़ा होते हुए देखा था। और सोचो, हम एक बार भी दिन में नंगे पैर नहीं चलते। पर डेव स्वस्थ कैसे हो गए? दरअसल हमारे सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होता है जिसे पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। मतलब हर सेल को एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया देता है। और नंगे पैर चलने से डेव की बॉडी में अर्थ से मिलने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी ने माइटोकॉन्ड्रिया को फिर से हाई एनर्जी दी जिससे उनके सेल फिर से जाग उठे। मात्र नंगे पैर चलने से चमत्कार हो सकता है। यही नहीं, जिनको माइग्रेन यानी सर दर्द की प्रॉब्लम है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, वो सभी कम से कम एक घंटा नंगे पैर मिट्टी में चलना शुरू करें। क्लिंट उबर नाम के व्यक्ति ने सोने से पहले अपने बेड पर डक्ट टेप, जो कि मेटल या फॉइल से बना हुआ था, उसे बिछाया। उस फॉइल में कॉपर वायर एक तार को बांधा, उस तार के दूसरे एंड को अर्थ में गाड़ दिया। वो व्यक्ति उस बेड पे सो गया। सुबह उठने के बाद उस व्यक्ति ने उस रीडिंग को, जो कि उसके डिवाइस में स्टोर हुई थी, UCLA नाम की एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के पास लेके गया, जहां पे उसने दावा किया कि धरती से निकलने वाली एनर्जी से हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन यानी पेन खत्म हो सकता है, जिससे नींद बहुत अच्छी आती है। तो लोगों ने उसको पागल समझा, गया बेवकूफ, ऐसा थोड़ी हो सकता है। क्लिंट उबर का ये कहना था कि सिर्फ 2 घंटे नंगे पैर घूमने से आपकी बॉडी में इतने बदलाव हो सकते हैं कि आप हैरान हो जाओगे। इस दावे पर उन्हें रिसर्च करने की अनुमति मिल गई। 60 लोगों के ऊपर रिसर्च कंडक्ट की गई। आप हैरान हो जाओगे, उन 60 लोगों को नंगे पैर रहना था, जमीन पे सोना था। उसमें ये पता चला कि उन लोगों को जो जो बीमारी थी, जैसे PMS जो बेसिकली फीमेल्स को होती है, वो खत्म हो गई। अर्थराइटिस खत्म हो गया। इन्फ्लेमेशन, जिससे क्रोनिक डिजीज होने की संभावना होती है, वो भी खत्म हो गया। फर्दर स्टडी में देखा गया कि सिर्फ 4 घंटे नंगे पैर घूमने से कोर्टिसोल लेवल नीचे आ गया, जो स्ट्रेस की वजह से होता है, जो कि आप देख सकते हैं ग्राफ में। हमारे इम्यून सिस्टम में WBC होता है, जो हील करता है बॉडी को, उसकी एबिलिटी हील करने की बढ़ गई, जो कि आप ग्राफ में देख सकते हैं कि यहाँ पर ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है। आप हैरान हो जाओगे बात जानकर कि भारत के फेमस पेंटर MF हुसैन, जिनकी मृत्यु 90+ में हुई थी, उनकी मृत्यु से 3 महीने पहले उनका एक इंटरव्यू लिया गया था, जिसमें उनसे पूछा गया कि आपकी सेहत का राज क्या है। तो पता है उन्होंने क्या कहा? कम खाओ और नंगे पैर चलो।